आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम सब आपका फिर से एक बार वेलकम करते हैं हमारे मसीह मंदिर चर्च और शैरन सोल विनर्स टीम की ओर से। आज हम कुछ नई बातों को सीखेंगे और प्रभु यीशु मसीह में आनंद करेंगे। आज हम संडे स्कूल को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जिस दिन को दिखाया हम सभी को, उसके लिए आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह। जितने भी लोग देखते हैं परमेश्वर पिता हमारे साथ जुड़ते हैं, हर एक को आप उनके साथ और संग रहना परमेश्वर पिता, हर एक को आप आशीषित करना यीशु मसीह। प्रभु जी हमारे स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी एक्टिविटीज करते हैं हमारे संग और साथ रहना प्रभु जी। आज हम जो भी सीखते यीशु मसीह उसके अनुसार चलने वाले हो सके, आपके हम होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अनोखा प्यार है यीशु का, अनोखा प्यार है यीशु का, अनोखा प्यार है यीशु का, कितना अनोखा प्यार, हो कितना अनोखा प्यार। ऊंचा है पकड़ नहीं सकता, गहरा है पहुंच नहीं सकता, चौड़ा है संभाल नहीं सकता, कितना अनोखा प्यार, ओ कितना अनोखा प्यार। अनोखा प्यार है यीशु का, अनोखा प्यार है यीशु का, अनोखा प्यार है यीशु का, कितना अनोखा प्यार, ओ कितना अनोखा प्यार। ऊंचा है पकड़ नहीं सकता, गहरा है पहुंच नहीं सकता, चौड़ा है संभाल नहीं सकता, कितना अनोखा प्यार, ओ कितना अनोखा प्यार। ना सुन 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 बुरा, ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, ना सुन 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 बुरा, ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा। यीशु तेरा है, यीशु मेरा है, यीशु हम सबका प्यारा है। यीशु तेरा है, यीशु मेरा है, यीशु हम सबका प्यारा है। ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, ना सुन 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 बुरा, ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा। यीशु तेरा है, यीशु मेरा है, यीशु हम सबका प्यारा है। यीशु तेरा है, यीशु मेरा है, यीशु हम सबका प्यारा है। ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा, सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा। पक्षी गा रहे हैं कैसे झूम झूम, गा रहे हैं पौधे नब को चूम चूम, स्वर्ग दूत भी तो गाते महिमा, फिर क्यों न मैं, फिर क्यों न तुम स्तुति गाएंगे। पक्षी गा रहे हैं कैसे झूम झूम, गा रहे हैं पौधे नब को चूम चूम, स्वर्ग दूत भी तो गाते महिमा, फिर क्यों न मैं, फिर क्यों न तुम स्तुति गाएंगे। मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब खेत में चुगने गए थे, जब खेत में चुगने गए थे। मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब खेत में चुगने गए थे,
आग लग रही थी, चारों तरफ लपटे उठी थी और चारों तरफ लपटे उठी थी। मुर्गी अपने बच्चों से प्यार करती थी और उन्हें बचाने दौड़ी थी और उन्हें बचाने दौड़ी थी। आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे पंखों के दर्शन में, मेरे पंखों के दर्शन में। यीशु अपने बच्चों से प्यार करता है और उन्हें बचाने आया है, और उन्हें बचाने आया है। आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे पंखों के दर्शन में, मेरे पंखों के दर्शन में। आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे पंखों के दर्शन में, मेरे पंखों के दर्शन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम एक बार फिर से आप सभी बड़ों का, सभी बच्चों का और हमारे सब प्रियों का स्वागत है हमारे संडे स्कूल में। आइए हम मिल करके अपने परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और इससे पहले कि हम आज कुछ बातों को सीखें, हम बुलाए जाने और चुने जाने के विषय में सीखें, हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना, हमें अलग किया, हमें बुलाया और हम सब बच्चे आपकी योजना में शामिल हैं। हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया, और धन्यवाद इस बात के लिए कि आप अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। आज के वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, याद करने के लिए आप हमारी सहायता करें। मसीह यीशु के नाम में सब उत्तम आशीषों को आपसे मांगते हैं, सुन के कबूल करें, आमेन। आज हम सीखने जा रहे हैं बाइबल में से कुछ एक चीजों को जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अगम्य है, और हम इस बात को देखना चाहते हैं कि बाइबल में जितने भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जितने भी लोगों के नाम आए हैं या जितने भी लोगों के नाम लिए गए हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है। चाहे वो अब्राहम हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे वो राजा दाऊद हो, चाहे राजा सुलेमान हो, शिमशोन हो, इलिशबा हो, सारा हो, रिबिका हो, हन्ना हो, कोई भी आप बाइबल उठा करके देख लीजिए, जितने भी लोगों के नाम इस बाइबल में लिखे हुए हैं, सब परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं। और आज की शाम हम परमेश्वर की ओर से चुनाव के विषय में सीखने जा रहे हैं, और हम सीखने जा रहे हैं कि हमारा चुनाव या हमको परमेश्वर ने कब चुना, किस समय में चुना। मेरे साथ निकाल लीजिए, क्या आप सब बाइबल लेकर के बैठे हैं? बिल्कुल, आप बाइबल लेकर के बैठिए और जैसे जैसे मैं वर्स बोलते जाऊंगी आप फटाफट खोलते जाइए, ठीक है? देखिए मम्मी पापा से पहले आप में से कौन ऐसा है जो बाइबल जल्दी जल्दी खोल करके मेरे साथ पढ़ने में अगुवाई करते हैं, ठीक है? ओके, मेरे साथ निकाल लीजिए यर्मिया नबी की किताब पहला अध्याय। फिर से यर्मिया नबी की किताब पहला अध्याय वचन 4 और 5। वैसे मेरी बाइबल में इसका जो पेज नंबर है 888 है, 888 नंबर के पेज में ये अध्याय पाया जाता है। तो हम सब निकाल लें यर्मिया 1 उसका 4 और 5। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। परमेश्वर पिता ने आप सब जो बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, जो हमको देख रहे हैं, जो इस वक्त वचन सुन रहे हैं, आप ध्यान रखिए, हो सकता है आपका नाम सोनू होगा, पंटी होगा, आप तनिष्क होंगे,
आप शिफा होंगे या और भी जो बच्चे हैं, एलिशा हो सकता है आपका नाम, वंश हो सकता है आपका नाम, आप जो भी बच्चे इस वक्त बैठे हैं देख रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के लिए स्पेशल हैं। जब आप अपने घर में भी पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले से परमेश्वर ने आपको देख लिया, आपके विषय में परमेश्वर ने सोच लिया, जान लिया, सब कुछ कर लिया, और तब आपको चुन करके आपके बेस्ट मम्मी पापा के पास आपको एक गिफ्ट के रूप में आपको दिया है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। और आपको पता है, आप जो वहां पे बैठ करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कितने स्पेशल हैं। बाइबल इस बात को कहती है, मेरे साथ निकाल लीजिए फटाफट आइज़ाया, यशायाह नबी की किताब, उसका 43 अध्याय, 43वां अध्याय और उसके 4 वचन में, यशायाह 43 और उसके 4 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हमें से हर एक, हमें से एक एक जन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है, कीमती है, प्रेशियस है। हम परमेश्वर का खजाना है और वो हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझको और आपको चुन करके अलग किया है। हम अपनी सारी स्पेशल चीजों को, स्पेशल चॉकलेट को, स्पेशल ड्रेसेस को, अपने स्पेशल जो पसंद की चीजें, हम उसको क्या करते हैं, अलग से रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बाकी दूसरे खिलौने हम शेयर करते हैं, पर जो स्पेशल होता है उसको शेयर करते हैं कि दोस्तों के साथ में? बहुत कम, शायद नहीं भी, है ना। वैसे ही हम परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमको चुन करके बिल्कुल अलग सा उन्होंने हमको रखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी लड़की के विषय में बताने जा रही हूं। एक फैमिली में एक छोटी लड़की थी और उसके विषय में मैं आपको बताना चाहती हूं। वो अपनी मम्मा का बहुत काम करती थी, उनकी उनके साथ साथ में सब कामों को करने की कोशिश करती थी। वो उनके साथ में हंसती थी, बोलती थी, पर हाँ, वो कभी लड़ाई नहीं करती थी, वो झगड़ा भी नहीं करती थी, और पता, वो सबके साथ दोस्ती करके रखती थी। और आपको पता कि जैसे मैंने अभी कहा कि परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हम सबको परमेश्वर प्रेम करते हैं, वैसे ही उस छोटी लड़की को भी परमेश्वर ने चुन करके अलग किया था। बहुत 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 प्यार करते थे। और वो छोटी लड़की धीरे 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 अपने सब कामों को करती थी और सारी बातों में वो बहुत अच्छी थी, और समय के अनुसार वो छोटी बच्ची से थोड़ी टीनेज में आई, टीनेज से होकर थोड़ी यंग एज में आई, और उसका बिहेवियर आप याद रखिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानते हैं, हमारा लेटना जानते हैं, हमारा चलना फिरना जानते हैं, है ना। और वो कहते हैं कि हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेते। कितनी दूर से? बहुत दूर से समझ लेते हैं। भजन संहिता 139 उसके 1-3 वर्स में ये चीजें लिखी हुई है। सच है मेरे बच्चों, आप चलते चलते किसको अड़ंगा मारते हो? परमेश्वर देखते हैं, है ना। आप भागा दौड़ी करते वक्त किसको ढकेल देते हो? परमेश्वर देखते हैं, है ना। लेटते टाइम आप मोबाइल लेकर के सोने की बजाय कार्टून देखते रहते हो? परमेश्वर देखता है, है ना। और सारी चीजों को, उस लड़की के भी सारे कामों को परमेश्वर देखते थे, पर एक भी ऐसा काम
परमेश्वर पिता को उसके जीवन में नहीं दिखा जो बुरा हो या जो गलत हो। और आपको पता, परमेश्वर ने उस छोटी लड़की के लिए, उस प्यारी लड़की के लिए बड़े काम को रखा, बहुत बहुत बहुत, आपको पता, वर्ल्ड लेवल के काम को परमेश्वर ने उसके लिए रखा। और पता वो लड़की कौन थी? आइए मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत। आपको पता है वो लड़की कौन थी? वो लड़की थी मरियम। वो मरियम थी जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग से चुना कि मसीह यीशु की मां वो कहलाए, और सारे कामों को वो करती थी, और परमेश्वर की निगाह में वो बहुत ही निष्पक्ष थी, प्रेमी स्वभाव की थी, और परमेश्वर के साथ 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 चलने वाली थी, और इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना। और आपको पता है कि मरियम के साथ में कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें हुई? सबसे पहली बात, लुका रचित सुसमाचार 1 और उसके 28 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। उस मरियम को स्वर्गदूत ने अभिवादन किया, विश किया। अब आप सोच सकते हैं, कभी आपने एंजल्स देखे, स्वर्गदूत देखे? नहीं ना। बट देखो मरियम का बिहेवियर कैसा था कि डायरेक्ट स्वर्गदूत उससे बात कर रहे थे और बोलते हैं आनंद और जय तेरी हो। कैसा भयंकर विश ना। और पता है जब मरियम पहली बार स्वर्गदूत को देखी तो 29 वचन में कहता है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, ये कैसा विश कर रहे हैं भाई, ये कौन है, कैसे मेरे लिए ये बात बोल रहे हैं। और तब उनको समझ में आता है कि ये स्वर्गदूत है, परमेश्वर से आए हुए, परमेश्वर के पास से आए हुए स्वर्गदूत है। और हम आगे की सारी बातों को बता जानते हैं। यहाँ पे 30 वचन में स्वर्गदूत उनसे बातचीत करते हैं, बोलते हैं, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मतलब परमेश्वर की नजरें मरियम के ऊपर थी। और फिर यहाँ पर जब हम कहते हैं देखते हैं तो लिखा हुआ 31 वचन में, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो यीशु मसीह की मां बनी। कैसा बड़ा ऑनर परमेश्वर की ओर से, कितना बड़ा गिफ्ट परमेश्वर की ओर से कि यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है मरियम के कोख से आए, मरियम के गर्भ से आए, और वो इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए। कैसा भयंकर, कैसा बड़ा, कैसा कीमती गिफ्ट परमेश्वर ने मरियम को दिया। क्या आप भी चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपसे बातें करें, परमेश्वर आपसे खुश हो? यकीन जानिए आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, और जब आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत 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 स्पेशल है परमेश्वर के लिए। आप प्रार्थना कीजिए, कितने बच्चे रोज बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते हैं? अपने हाथों को दिखाइए, कितने बच्चे रोज बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं? झूठ नहीं है ना, क्योंकि हमको कौन देखता है? हमारा परमेश्वर देखता है। गुड, जिन बच्चों ने हाथ उठाया, जो डेली प्रेयर करते हैं, जो डेली बाइबल पढ़ते हैं,
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ऐसे बच्चों से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उनको हेवनली गिफ्ट परमेश्वर देते हैं। जैसे मरियम को हेवनली गिफ्ट मिला इस पृथ्वी के लिए, हम में से हर एक के लिए, हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, है ना, कि हम परमेश्वर की नजर में बरकरार रहें और हमको भी परमेश्वर पढ़ाई में, हमारे खेलकूद में, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में, या हमारी फैमिली के बीच में, हमारी कलीसिया के बीच में, अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर हमको चुनकर अलग करे, हमको इस्तेमाल करे, हमको अपनी महिमा के लिए खड़ा करे। क्या आज के इस शाम के समय में आप बच्चे तैयार हैं? आप में से कितने ऐसे कहते हैं कि हां यीशु मसीह मैं तैयार हूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे चुन लीजिए, मैं आपके पास आपकी सेवकाई करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे चुन लीजिए। आप में से कितने बच्चे ऐसा कहना चाहते हैं? बोलिए, यीशु मसीह मैं अपना समर्पण आपके हाथ में करता हूं, आप मेरे जीवन को बदलिए, आप मुझको जैसा आप चाहते हैं वैसा मुझको चलाइए, क्योंकि आपने मुझको चुना है। हमको अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को समझना है। आप आज देख रहे हैं, आप एक ऐसे परिवार में हैं जो आशीषित परिवार है, अच्छे मम्मी पापा को परमेश्वर ने आपको दिया, अच्छे स्कूल में आप पढ़ते हैं, अच्छी चीजों को आप खाते हैं, अच्छे कपड़े आप पहनते हैं, अच्छी गाड़ियां आपके पास है, अच्छा सुंदर घर आपके पास है। क्यों है पता? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन करके अलग किया है, अपने लिए अलग किया है, क्योंकि आप उसके लिए स्पेशल हैं। हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर होंगे, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं, और परमेश्वर के लिए ये मायने रखता है कि आप अपना जीवन अपने परमेश्वर को दें। आप बोलिए कि आपने मुझको चुन करके अलग किया है। ये सच है कि आप गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं और उसकी ओर से अभिषेक प्राप्त किए हुए बच्चे हैं। से आमेन, आमेन। आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं, बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं। सो अपने बुलाए जाने को आप समझें, आप जानें, आप अच्छा काम करना शुरू करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ धीरज से पेश आए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, स्कूल में जो होमवर्क मिलता है ईमानदारी से करें, ट्यूशंस जाएं, जो काम आपको दिया जाता है आप सब कुछ करें, क्योंकि एक चुना हुआ व्यक्ति ईमानदार होता है, वफादार होता है, और वो परमेश्वर का प्रिय होता है। सो आप विश्वास करते हैं कि आप चुने हुए हैं? मैं विश्वास करती हूं कि आप बच्चे जो देख रहे हैं आप सब चुने हुए हैं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हम में से हर एक को चुन करके अपने लिए अलग किया है, आपने हमारा नाम रखा है, आपने हमें मां के गर्भ में रचे जाने से पहले चुन करके हमारा अभिषेक किया है। प्रभु जी आपका धन्यवाद। ये बच्चे जो इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, शिक्षा को सुन रहे हैं पिता, आप उनके जीवन से बोलें और बातचीत करें। मरियम के समान पिता, हमें से हर एक का जीवन आपको भाए पिता परमेश्वर, हमको आपके योग्य ठहराए, आप हमें होकर के चले फिरे और हमारे द्वारा अपने बड़े कामों को प्रकट करें। मसीह यीशु के नाम में सब उत्तम से उत्तम आशीषों को आपसे मांगते हैं, सुन के कबूल करें, आमेन। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ आज के संडे स्कूल को देखा, हमारे साथ आप ज्वाइन हुए। रिक्वेस्ट है कि आप लगातार हमारे साथ इसी तरीके से हर शनिवार बने रहें, और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप हमारे चैनल अभी जोशुआ 000 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें और ऑल का जो बटन है उसे आप क्लिक करें ताकि हमारे सारे वीडियोस स्पेशली बच्चों के लिए जो है वो आप देख सकें। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। दीदी ये लो पैसा। छोटी लड़की रोज रोज एक जगह जाके खड़ी हो जाती थी और आखिरी तक वो धीरज धरती थी। बाकी सारे बच्चे लालच करके सारी चीजों को लेके चले जाते थे, लेकिन उसने आखिर तक धीरज धरा और उसका उसको इनाम मिला। वैसे ही अगर हम लालच को छोड़ेंगे, धीरज धरेंगे, तो हमारे लिए भी परमेश्वर की ओर से इनाम है। वैसे ही आप सभी बच्चे अगर धीरज धरेंगे, छोटी छोटी बुरी बातों को छोड़ेंगे और लालच नहीं करेंगे, तो परमेश्वर पिता की ओर से आपके लिए इनाम है।
है आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके चुने हुए प्रभु जी, जो भी हमने किया उस पर आपके आशीष हो। जितने बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आपके आशीषों की जितनी भी बातों को उन्होंने सीखा है उसको वे फॉलो करने वाले हो सके, उनके पेरेंट्स को भी आशीष देना और हम सभी के संग साथ रहना, सारी बीमारियों से हमें बचा के रखना। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमें आशीषों को दिया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से सारी आशीषों को मांगे, आमीन। हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, बाय।